जय हिंद। आज के वीडियो में देखेंगे जानेंगे 50 TBR की कूलिंग टावर को पाइप फिटिंग करना। फ्रेंड शुरू से मैं आपको दिखाऊंगा, आप वीडियो में बने रहना, वीडियो को भी थोड़ा सा स्किप नहीं करना और वीडियो को पूरा देखना। फ्रेंड फ्रेंड स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल हीट ट्रीटमेंट मेंटेनेंस में। फ्रेंड कैसे हो, उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे। फ्रेंड बताना चाहूँगा कि चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी दबाना। फ्रेंड ये आप देख रहे हैं होलसा कटर, इसको कहते हैं, जो कि हमारे पास करीब 2 इंची से थोड़ा ज़्यादा है, 62 ना 64 mm का है। फ्रेंड ये आपको बताना चाहूँगा कि इसमें होल मारना है हमें, ओवरफ्लो पाइप डालनी है ताकि इस टब में पूरे पानी भर जाए तो हमारे वो पानी वापस सीवर में आ जाए। तो आइए इसको अब होल मार के आपको दिखाते हैं। इसको इस प्रकार से ड्रिल में टाइट करना है फ्रेंड, और ड्रिल में टाइट करने के बाद इसको फिर यहाँ आप देख रहे हैं इस प्रकार से होल मारनी है, जो कि आप देख रहे हैं आसानी से होल इसमें हो रहा है। ये हमारे फाइबर का सीट रहता है, देख रहे हैं फ्रेंड कितने फिनिशिंग से हमने होल मार लिया। अब इसमें ओवरफ्लो के लिए जो टंकी निपल होता है उसको लगा देंगे, एक सील बाहर रहेगी एक सील अंदर रहेगी, इसमें 2 सील होते हैं, और इसका ऊपर जो नट दिया रहता है उस नट को टाइट कर देंगे कुछ इस प्रकार से। आप वीडियो में देख रहे हैं फ्रेंड, वीडियो पूरा देखना तभी समझ आएगा, नहीं तो स्किप करके देखोगे तो समझ नहीं आएगा, आधी अधूरी नॉलेज का कोई वैल्यू नहीं है। और इसका ऊपर फ्रेंड सिलिकॉन लगा देंगे, क्योंकि इसमें उतना तो प्रेशर रहेगा नहीं, तो हल्की फुल्की के लिए टेक्नोटेप भी आप मार सकते हो, सिलिकॉन भी लगा सकते हो। तब इसका ऊपर हमने सिलिकॉन लगाया थोड़ा अंदर और बाहर के चूड़ी पर भी लगा के इसको इस प्रकार से टाइट कर देंगे, हल्का सा सिलाई पाइप रिंच से भी टाइट कर लेंगे। ये आप निप्पल देख रहे हैं फ्रेंड, इसको लगाना है जो हमारे ये टब से पानी आउट होगी, आउट होकर जो पाइपों में जाएगी, जैसे हमें इसमें हीट एक्सचेंजर जोड़ना है इंडक्शन की, तो इसमें धागा लपेट कर हमने ये सॉकेट लगा दिया, जो कि हमारा ये सॉकेट 2.5 का है, 2.5 से 2 इंची है, सॉरी 2.5 से 1.5 इंची का है ये, आप देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से सॉकेट को धागे के साथ अच्छी प्रकार से धागे लपेट कर सिलिकॉन लगा कर टाइट कर देंगे, और इसको पाइप रिंच से हेवी करके टाइट कर देंगे ताकि हमारा यहाँ से पानी लीक ना हो। ये आप देख रहे हैं ब्रास एमटी है, CPVC ब्रास एमटी, जो कि इसमें अब CPVC पाइप लगाएंगे तो इसको आगे थोड़ा सा धागा लपेट कर सिलिकॉन लगा देंगे, और सिलिकॉन लगा कर यहाँ पर टाइट कर देना है फ्रेंड। और टाइट करने के बाद इसे भी पाइप रिंच से हल्का हल्का एकदम आराम से टाइट करना है ताकि ये टूटे फटे ना, आप देख रहे होंगे वीडियो में। अब हम यहाँ पर फ्रेंड एक गेटवेल लगाएंगे, गेटवेल के लिए हमने छोटा सा निप्पल काटा है, जो कि आप देख रहे हैं गेटवेल लगाएंगे, कभी काम उम करना हो तो वहाँ से पानी ऑफ करके अपना आगे का काम कर लो, बस इस प्रकार से लोशन लगा के इसके अंदर डाल देनी है। अब देख रहे हैं फ्रेंड ये जो हमारा एमटी था उसके अंदर भी थोड़ा लोशन लगा के हमने डाल दिया, ये हमारे गेटवेल लग गए आप देख रहे हैं। बस इसी प्रकार से आपको करना है कोई भी काम फ्रेंड, बहुत सोच समझ के करना और तो अच्छा ही होगा, हड़बड़ा के कोई भी काम नहीं करना, क्योंकि हड़बड़ी के काम शैतान का होता है। और यहाँ पर एक हमने टीवी लगाया है जो कि एयर निकलने के लिए, आप देखते हैं टंकी से पानी आउट होता है तो एयर निकलता है, हमने टी तो लगा दिया फ्रेंड, और टी लगा के यहाँ नीचे एक एल्बो लगा दिया ताकि ये हमारे पानी नीचे चले जाए ओवरफ्लो के। अब आप देख रहे हैं एक छोटा सा टुकड़ा काट के हमें एक यूनियन लगानी है ताकि कभी पाइप उप के खोलने की ज़रूरत पड़े तो हम आसानी से पाइप को खोल के साइड कर ले, इसको इधर उधर करना पड़े तो। देख रहे हैं वीडियो में कुछ इस प्रकार से हमने किया है फ्रेंड, और ये यहाँ से यूनियन लगा के सीधा नीचे आया, नीचे हमने उधर को एल्बो लगा के इसका मुंह घुमा दिया है फ्रेंड। अब यहाँ से एक पाइप लेंगे सीधा, आप देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से हमने किया है फ्रेंड, पूरे नहीं दिखा सकता लेकिन मेन चीज़ आपको दिखाया हूँ। और यहाँ पर एक यूनियन लगाएंगे ताकि कभी खोलना हो तो फ्रेंड, 10 फुट पर हमने यूनियन लगाया है ताकि पाइप खोलने की ज़रूरत पड़े तो आसानी से खुल जाए, आसानी से साइड हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो,
यहाँ थोड़ी सी छोटा पड़ रहा था तो हमने जोड़कर थोड़ा बड़ी कर दी। अब देख रहे फ्रेंड 10 फीट बड़ी यूनियन दिया और फिर यहाँ पर 20 फीट बड़ी यूनियन दे रहे हैं। यूनियन हमने लगा दिया और लगा के उधर एक सीधा पाइप चला गया हमारा इंडक्शन का जो हीट एक्सचेंजर है, और इसमें इधर से सीधा हम यहाँ पर यूनियन में डाल देंगे। अब देख रहे हैं दो लेंथ पाइपें हमारी डल गई, एक आउट की और एक इन की, मतलब इधर से पानी जाएगा उधर से वापस हीट एक्सचेंजर से घूमकर हमारे वापस सीवर में आएगा। आपको दिखाएंगे आने वाले टाइम में फ्रेंड, वीडियो में बने रहना, वीडियो को पूरा देखना, स्किप नहीं करना। देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से यूनियन डालकर अच्छी प्रकार से यूनियन को टाइट कर देना फ्रेंड, ताकि वहाँ से पानी लीक ना हो। देख रहे हैं सीधा हमने सीधा इसको लगाया, इधर भी आप देख रहे हैं बाहर की तरफ आपने यहाँ देखा जो कि हमारे पाइप आ रही थी, अब यहाँ से सीधा लाएंगे और सीवर में डालेंगे, जो कि आप वीडियो में देखना फ्रेंड। ये यूनियन लगाने के बाद आपको दिखाऊंगा। देख रहे हैं हमने यूनियन लगा दिया और यूनियन लगाने के बाद फिर लोशन लगा के वापस यूनियन के दूसरे हिस्से में इसको लगा देंगे। देख रहे हैं और यहाँ पर एक यूनियन से थोड़ा सा आगे एक एल्बो लगा कर वापस सीवर की तरफ इसका मूव कर देंगे, ताकि आउट वाला पानी डायरेक्ट हमारा सीवर में गिरे। देख रहे होंगे कुछ इस प्रकार से हमने किया है। देख रहे हैं फ्रेंड सीवर में चला गया। अब ये तो हो गया हमारा आउटपुट, अब जो सीवर से पानी खींच के वापस कूलिंग टावर में जाएगी उसके भी हमें कनेक्शन करना है, आपको दिखाना है। देख रहे हैं हमने जो पाइप के ओवरफ्लो की है इसमें भी एक यूनियन लगा देते हैं, ताकि कभी खोलने वोलने साइड करने की ज़रूरत पड़े तो आसानी से हो जाए। ये जो बंदा दिखे आप, ये हमारे साथ काम करता है। देख रहे हैं फ्रेंड ये जो ऊपर जो हमारे मोटर से इसमें जाएगी और यहाँ से कूलिंग होकर पानी नीचे टब में गिरेगा। ये पाइप हम नहीं कर सके, आपको वीडियो मतलब बनाने नहीं पाए क्योंकि ऊपर मुझे चढ़ना भी होता है इसीलिए। और इधर से करके यहाँ एल्बो लाकर सीधा हमने मोटर में इसको डालनी है, ताकि मोटर हमारा सीवर से खींचे और सीवर से खींच के उसका ऊपर से होते हुए टब में आए। आप देख रहे होंगे वीडियो में हमने यहाँ तक डाला, अब इसके आगे आपको डाल के दिखाते हैं फ्रेंड। अब यहाँ से एक ओवरफ्लो के सीवर में डाल देंगे सीधा पाइप, जो कि हमने डाला नहीं था। अब आपको डाल के दिखाते हैं, आप देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से एक छोटा सा टुकड़ा लेकर सीवर में डाल देंगे, ताकि ओवरफ्लो का पानी इधर उधर वेस्ट ना हो, वापस हमारे सीवर में गिर जाए फ्रेंड। ये जो ओवरफ्लो का दिया हमने 2 इंची का दिया पाइप CPVC, और जो इन आउट का दिया हमने फ्रेंड 1.5 इंची का दिया। आप देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से फ्रेंड। ये तो फ्रेंड आपने देख लिया, अब आपको आगे के और दिखाते हैं, जो कि आप देख रहे हैं ऊपर से नीचे तक। और जो ईयर निकालने के लिए होता है हमने छोटा छोटा टुकड़ा ऊपर लगा दिया, ताकि देखने में भी अच्छा लगे और पानी भी वहाँ से बाहर को ना निकले। देख रहे हैं फ्रेंड इधर से हमारी पाइप पे गई है कुछ इस प्रकार। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये जो दूसरे वाले पाइप देख रहे हैं, ये है हमारे NRV वाल। एक्चुअली ये नॉन रिटर्न वाल होता है, इसमें तो फुट वाल लगते हैं, लेकिन हमने फ्रेंड देखने के लिए NRV वाल लगाया ताकि काम कर रहा है कि नहीं। लेकिन फ्रेंड बताना चाहूँगा कि ये हमारे प्रॉपर काम कर रहा है जैसे हमें चाहिए था। ये मतलब सीवर से पानी उठा रहा है, तो इसको इस प्रकार से टाइट कर देना है। एक PVC का हमने MT लगाया है इसमें, आप देख रहे होंगे MT लगा के इसको खड्डे में डाल देंगे, और खड्डे में डाल के वो जो एल्बो का मुँह घुमा हुआ था उस एल्बो का मुँह इसमें टाइट कर देंगे। आप देख रहे हैं वीडियो में कुछ इस प्रकार से हमने इसको किया। तो अब आगे दिखाते हैं आपको फ्रेंड, ये देख रहे हैं हमारे मोटर की फ्लंच है, जो कि इसमें सील लगाया होता है, तो इसको काट के बाहर निकाल देना है, तभी पानी हमारे खींच पाएगा ये, नहीं तो कैसे पानी खींचेगा। आप देख रहे हैं ये MT है PVC में, ये 2 इंची का है, इसके ऊपर एक बूश लगाया हुआ है ताकि 1.5 इंची का हमारे बनाया जा सके, और इसमें धागा लपेट कर फ्रेंड अच्छी प्रकार से टाइट कर देंगे। देख रहे हैं आप यूनियन हमने इन आर आउट दोनों में लगाया, कभी मोटर खोलने की ज़रूरत पड़े तो हमारे आसानी से मोटर खोल जाए। आप देख रहे होंगे कुछ इस प्रकार से
हमने किया है। अब इसका ऊपर में फ्रेंड हमने एक पाइप लगाया होगा जो कि इसमें, तो आप देख रहे हैं ये लंबी सी एक गेट वाल लगा के हमने इसका ऊपर दिया है। उस सीवर से इस मोटर, मतलब उस सीवर से ये मोटर खींचेगी। जो आप ऊपर में देख रहे हैं फ्रेंड, यहाँ से हमें पानी डालना है। जब कभी पानी छोड़ देगी, मोटर बंद रहेगी 2-3 दिन तो पानी छोड़ देगी, तो ऊपर से गेट वाल खोल के पानी डाल देंगे और पानी जब फुल हो जाएगा तो फिर ऑन करेंगे तो हमारे पानी उठाएगी। फ्रेंड आप देख रहे हैं उस सीवर में डला हुआ ये हमारे 50 TBR का कूलिंग टावर है। और ये तो हमारे पूरे कंप्लीट हो गए। अब ये जो हमारे पाइपें गई है, आगे पाइपें गई है, ये यहाँ एयर निकलने के लिए दिया है फ्रेंड हमने। तो जो इनपुट है इसको बंद कर देंगे, क्योंकि यहाँ से लीक होता है पानी, जब टंकी से आता है तो लीक होता है, तो इसको बंद कर देंगे। आप ये देख रहे हैं यहाँ पर एक मोटर लगा के और हमें अच्छे प्रकार से यूनियन यहाँ भी लगा के टाइट कर देना है। सब्सक्राइब करना चैनल को फ्रेंड। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।